रोज बेमौत मर रही है सैकड़ों गायें, कत्लखानों से ज्यादा प्लास्टिक है घातक गायों के लिए। मंदसौर जिले के गरौड़ तहसील में चुकाने वाला सच सामने आया है। यहां पर मरी हुई गायों का पशु चिकित्सा अधिकारी एवं समाज सेवियों ने जब पोस्टमार्टम कराया तो उनके पेट से कई किलो प्लास्टिक की थैलियां निकली और विशेषज्ञों के मुताबिक यह प्लास्टिक की थैलियां ही इन बेजुबान गायों की मौत का कारण है। वहीं गायों की चीरफाड़ करने वाले एक सज्जन ने बताया कि इस प्रकार 10 से 15 गायें रोज यहां लाई जाती है जो प्लास्टिक के खाने से मर जाती है। नगरों और गांवों में नित्य उपयोगी वस्तुओं और खाने पीने के लिए पॉलिथीन थैलियों का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया जा रहा है और उसी में कुछ खाने पीने की झूठी वस्तुएं रखकर फेंक दी जाती है जो भूखी गायें साबुत ही निकल जाती है। जाने अनजाने आम आदमी गोवध के पाप का भागीदार बन रहा है। लगभग 6 माह पूर्व ही सरकार ने प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया था, मगर स्वतंत्र निरंकुश अधिकारियों ने इस प्रतिबंध को अभी तक गंभीरता से नहीं लिया और इसका खामियाजा गोमाता भुगत रही है। असहनीय दर्द से तड़प तड़प कर आए दिन मर रही है। हमारे देश में गायों से ज्यादा गायों के भक्त इधर उधर विचरते रहते हैं और आए दिन गायों के नाम पर देश, राज्य, नगर और गांव को आंदोलित करते रहते हैं। कई बार बड़े बड़े दंगे गायों के नाम पर करवा देते हैं, लेकिन इन प्लास्टिक थैलियों के विरुद्ध कोई जन जागृति जैसा बिना कमाई का आंदोलन गो भक्तों की गैंग ने अभी तक नहीं चलाया। लेकिन यही गोभक्त आज यह जानकर आश्चर्य करेंगे कि मात्र गरोट में ही 10 से 15 की संख्या में रोज प्लास्टिक खाने से यदि भूखी प्यासी गाय मर रही है तो इसका मतलब सैकड़ों गायें बिना कसाई के यहाँ गए वैसे ही मर रही है। यह एक सामान्य आंकड़ा है, लेकिन गाय के नाम पर जितनी राजनीति और जितना हंगामा पिछले दिनों हुआ उसका यदि 1% भी सामर्थ्य वास्तविक गो सेवा में लगाया जाता तो आज गायें भूखी प्यासी नहीं मरती। जिले में जितनी गाय कटती नहीं उससे कहीं अधिक प्लास्टिक की थैलियां खाने से मर रही है। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बहुसंख्यक हिंदू समाज और तथा कथित गो भक्तों पर है। आज हमें आवश्यकता गाय के नाम पर राजनीति करने की नहीं, गायों की सेवा करने की है तथा प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग पूर्ण रूप से बंद करने की है। गलौट से राजेश पाठक के साथ महेश साखला की रिपोर्ट।